अब आप बिना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए सिर्फ एक क्लिक करके अपने फोटोज को जैसा चाहो वैसा एडिट कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। सिर्फ एक क्लिक पर आपके फोटोज ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएंगे। मार्केट में एक नया ऐप आ गया है जो फोटोशॉप का भी बाप लगता है, एंड इवन मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे सॉफ्टवेयर जो है उनसे भी बढ़िया काम करता है। जितने भी फोटो एडिटिंग के ऐप्स आपने अब तक यूज किए होंगे वो सब इसके सामने फेल हो जाएंगे ऐसा लगता है, और आज इस वीडियो में आपसे बात इसी ऐप की। अभी तक सब फोटोशॉप, कैनवा, फोटो यूज़ करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, एंड फोटोशॉप को तो लोग अलग से ना सीखते हैं, मतलब इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, बट ये जो नया ऐप है ये तो फोटोशॉप का भी बाप है, एंड ये ऐप है ड्रैगन। फोटोशॉप में आपको 20 मिनट या आधा घंटा भी इवन उससे ज़्यादा लग जाता है एक फोटो को ना सही से एडिट करने के लिए, बट इसमें आप इंस्टेंट एडिट कर सकते हो, सिर्फ एक मिनट में, उससे भी कम में फोटोज एडिट हो जा रहे हैं। ये फोटो देखो, ये US प्रेसिडेंट जो बाइडन का फोटो है, ये स्माइलिंग फोटो है, इसमें बाइडन हंस रहा है, बाइडन के दांत जो है वो दिख रहे हैं, एंड आपको चाहिए कि भाई दांत नहीं दिखने चाहिए। तो करना आपको कुछ नहीं है, लिप्स के साइड पर क्लिक करके ड्रैग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, एंड सी अब बाइडन की जो बत्तीसी है वो नहीं दिख रही है। सिमिलरली फ्रंट प्रोफाइल फोटो है, बट इफ़ यू वांट कि ना थोड़ा साइज, मतलब साइड से साइड प्रोफाइल होना चाहिए, सो नोज के सेंटर पॉइंट पर आपको फोकस करके ड्रैग पर क्लिक कर देना है, एंड ये देखो हल्का सा साइड पोज आपको मिल जाएगा, एंड आप इसके थ्रू अपना हेयर स्टाइल वगैरह वो भी सेट कर सकते हो, हर काम कर सकते हो। सी बाइडन के बाल कैसे चेंज हो जाएंगे भी देखना। थोड़ा सामने की तरफ आपको ना हेयर चाहिए तो मास्क पर आपको क्लिक करना है, एंड हेयर और फोरहेड पर ना ऐसे मास्क इफेक्ट आपको अप्लाई कर देना है। कहाँ से कहाँ तक आपको हेयर मास्क करने हैं, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आपको जस्ट सेट कर देना, एंड देखो ऐसे ही आईज अगर एडिट करनी है तो वो भी हो जाएंगी, मतलब हर काम ये ऐप आपका कर देगा, और वो भी मतलब सेकंडों में काम कर रहा है। एक कुत्ते की इमेज है, बिल्ली वगैरह की इमेज है, मतलब आप जैसा चाहो वैसा, मतलब सिर्फ ड्रैग करके इनको चेंज कर सकते हो। कोई कार है उसके आपको लुक को अगर चेंज करना है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो गाड़ी, साइज, पोजिशन, लुक सब कुछ चेंज, एंड ये आप हर फोटो के साथ कर पाओगे। आपके याद होगा कि ये ड्रैग वाला जो टूल है कई सॉफ्टवेयर में आता है, मतलब मैंने भी यूज़ किया, आपने भी यूज़ किया होगा, लेकिन दिक्कत क्या होती थी पहले कि वो इतना प्रसाइज नहीं होता। अगर एक जगह से आप इमेज को ड्रैग कर रहे हो तो दूसरी तरफ इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती थी, मतलब ख़राब हो जा रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें आपकी जो इमेज है वो इंटैक्ट रह रही है, बल्कि और ज़्यादा बेहतर हो रही है, रिफाइन हो जा रही है। इस पर हर काम बस ड्रैग करके ही होता है, और इसीलिए इसका जो नाम है ना वो ड्रैगन है। और ये आप काम कैसे करता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये फोटोज़ जो है ना इतनी आसानी से और इतनी जल्दी जल्दी एडिट हो जाती है। सो दो वर्ड से मिलकर इस ऐप का नाम बना है, एक है ड्रैग, ड्रैग मतलब सिंपल ड्रैग करना किसी चीज़ को, एंड GAN यानी कि जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, एंड इस ऐप की सारी जो कलाकारी है वो इस GAN में छिपी हुई है। GAN एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम पर बेस्ड टेक्निक है जिसे 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। GAN से ओल्ड इमेजेस के बेसिस पर ना नई इमेजेस जनरेट की जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि आप कोई ओल्ड डेटा दोगे इसको, पुरानी इमेजेस दोगे, एंड उससे नई इमेज क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल अलग, जैसी इमेज आपको रियल लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, ब्रांड न्यू और यूनिक इमेज आप जो क्रिएट कर पाओगे पुराने डेटा से। इसमें दो न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क काम करते हैं, एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर को आप एक स्टूडेंट समझो जो मोनालिसा की तरह की एक पेंटिंग बनाता है फॉर एग्जांपल, और ये पेंटिंग बना के वो अपने टीचर को देता है। ये टीचर जो है ये डिस्क्रिमिनेटर है, ये जनरेटर को उस पेंटिंग में कमियां बताता है कि भाई आपकी पेंटिंग में ये कमी है, फिर वो जनरेटर उन कमियों पर काम करता है और नई पेंटिंग बनाता है, फिर से डिस्क्रिमिनेटर कहता है कि भाई ये प्रॉब्लम है इस पेंटिंग में, और इस तरह साइकिल जो लंबा चलता रहता है। और एक टाइम ये आता है कि जब जनरेटर ऐसी इमेज बनाने लगता है जिसमें डिस्क्रिमिनेटर कोई कमी निकाल ही नहीं पाता, मतलब ये पूरा टेक्निकल प्रोसेस है GAN, जिसको मैंने ना आपको ईजी लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी से समझाया, एंड यही प्रोसेस जो है वो ड्रैगन में फॉलो होता है। इमेजेस को जब आप ड्रैग करते हो, चेंज करते हो, तो आपको लगता ही नहीं कि फेक इमेज है, सब कुछ ऐसा लगता है कि वो नेचुरल इमेज है, पहले भी नेचुरल थी और अभी भी नेचुरल है, एंड यही कमाल है AI का, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। So, ये सब AI के जरिए हो रहा है, एंड सी AI कहां से कहां तक पहुंच गया। घंटों का फोटो एडिटिंग का जो काम है वो अब मिनटों एंड इवन सेकंडों में हो रहा है आजकल। वैसे ही AI सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर जगह इसी की बात हो रही है। इसका मतलब अपने फायदे हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था पहले कैसे AI बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है एंड कैसे ये फायदेमंद भी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको आप देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें बताया कि कैसे AI की वजह से ना AI के जो गॉडफादर कहे जाने वाले साइंटिस्ट है जेफ्री हिंटन, उन्होंने गूगल से रिजाइन कर दिया था, एंड अब वो AI पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। ड्रैगन ऐप अभी जो है वो डेवलपिंग फेज में है, वैसे आप गिटहब पर जाके इसका जो कोड है उसको एक्सेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, जल्द ही ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, एंड आप भी इसको यूज कर पाओगे।